हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आ चुके हैं हम हाईटेकर्स पर लेके ज़ूप कार ट्रैवल पैड, एंड आज हम लोग इसका फर्स्ट इंप्रेशन एंड इसका अनबॉक्सिंग देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, ये है हमारा ज़ूप कार ट्रैवल पैड और ऊपर की साइड में हमको ज़ूप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड अब जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या कॉन्टेंट मिलता है। तो हमने बॉक्स को खोल लिया है एंड ऊपर की साइड में हमको देखने को मिल जाता है इनका जो ट्रैवल पैड है वो देखने को मिल जाता है, एक मोबाइल स्टैंड, एक माइक्रो यूएसबी केबल, ज़ूप का एक यूनिक वारंटी डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी यूजर मैनुअल, वो आप लोग पढ़ के इसको यूज करना सीख सकते हैं। सो गाइज, अब इन सभी बॉक्स कंटेंट्स को हम लोग रखते हैं साइड में एंड आते हैं हमारे मेन जो हमारा ट्रैवल पैड है उसके ऊपर। सो ये देखिए आप, इसका जो ट्राईफोल्ड डिजाइन है कितना अच्छा लग रहा है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मेटल टाइप का लग रहा है। एंड पीछे की साइड में आप लोग देख सकते हैं ज़ूप का यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है एंड यहाँ पे इनका जो लोड नंबर और जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है। तो अब जल्दी से इसकी करते हैं टेस्टिंग एंड आपको बताते हैं कि कैसा है ये ट्रैवल पैड। सो गाइस, इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है एंड इसी के बराबर में आपको इसका जो चार्जिंग जैक है वो भी देखने को मिल जाता है। तो मैंने इसको ऑन कर लिया है एंड कनेक्ट कर लिया अपने फोन के साथ में एंड अब हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कि कैसे अपना काम करता है। सो गाइस, ऊपर की साइड में कंपनी ने दिए हैं मल्टीमीडिया कीज एंड साथ में इसके कंपनी ने बहुत सारे इसके शॉर्टकट्स हैं जो कि आप एंड्रॉइड अपना फोन यूज करते टाइम में यूज कर सकते हैं, जो कि आपके जो एक्सपीरियंस है उसको बिल्कुल इजी कर देती है यूज करने के टाइम पे। तो चलिए मैं आपको दो चार शॉर्टकट्स यूज करके दिखाता हूँ अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर। जैसे कि आप फंक्शन के साथ में, जैसे विंडोज के अंदर आप टास्क स्विच कर सकते हैं, वैसे ही आप इस कीबोर्ड के अंदर भी स्विच कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही अल्ट प्लस टैब दबाता हूँ, ये देखिए हम एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर पा रहे हैं एंड फंक्शन के साथ में भी बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप लैपटॉप में यूज करते हैं मल्टीमीडिया कीज। तो मैं जैसे ही फंक्शन के साथ में वॉल्यूम डाउन करने का जो बटन दबाता हूं तो देखिए गाइस वॉल्यूम डाउन हो रही है एंड जैसे ही मैं अप करने का बटन दबा रहा हूं तो आप एंड्रॉइड फोन में देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रही है एंड म्यूट करने का भी साथ में ऑप्शन है एंड जो बाकी प्ले पॉज के जो बटन है वो भी आपको दिए गए हैं। ऊपर की साइड में आपको कट के और पेस्ट करने के भी जो बटन है वो भी दिए गए हैं, ये सिलेक्ट ऑल का बटन दिया गया है ऊपर की साइड में। एंड अगर आप लोग फंक्शन की के साथ में F12 दबाते हैं तो आप अपने एंड्रॉइड फोन को लॉक भी कर सकते हैं। सो गाइज, अब टाइप करके देखते हैं अपने जो कीबोर्ड है उसके साथ में। तो जैसे मैं लिखता हूँ अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ एंड सब्सक्राइब लिखता हूँ, तो गाइज टाइपिंग एक्सपीरियंस तो एकदम स्मूथ है और जो हमारा जो टच पैड है उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। सो गाइज, ये जो ज़ूप का ट्रैवल पैड है ये मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। और अगर आप लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं या आपकी पोर्टेबिलिटी चाहिए आपको अपने कीबोर्ड और माउस के अंदर, तो गाइज ये डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। अगर आप लोग को ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं हाईटेकर्स। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के साथ में। टिल देन गुड बाय।